गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग? आ गए हम लोग यार इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन के मूड में ना यार। इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के मूड में आ चुके हैं हम लोग। आप लोगों को वीओएससी में दिख ही रहा होगा यार, है ना? तो आज क्या करने वाले हैं यार हम लोग? आज क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग? चलो यार मैं एक मिनट जरा देख लूं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कितने लोग लाइव आ चुके हैं। हेमलता, संकेत पाठक गुड इवनिंग, शंकर गुड इवनिंग, संगीता साहा गुड इवनिंग। चलो बच्चों एक काम करते हैं, जरा अभी हम लोग एनिमल किंगडम में आज पढ़ते जा रहे हैं कि आना क्या है। केवीपी वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो डाइवर्सिटी समझ में आनी जरूरी है। हालांकि बहुत नेगलेक्टेड टॉपिक रहता है, स्कूल में भी हफ्ते भर में पूरी डाइवर्सिटी पढ़ा के निकल लेते हैं टीचर्स, लेकिन ये कि अगर कोई डाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ लेना तो फिजियोलॉजी या फिर जितनी भी बायोलॉजी है, चाहे इकोलॉजी हो चाहे एवोल्यूशन हो, हर चीज के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठता है। डाइवर्सिटी अच्छे से आती है तो आप सारी चीजें बायोलॉजी में अच्छे से कर पाते हो। Myself, आसिफ त्यागी, जूलॉजी एक्सपर्ट, एमएससी जूलॉजी, एमफिल नेट, और ये 25 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो केवीपीवाई क्वालिफाई करके स्कॉलरशिप लेके कुछ लोग यूएस में बैठे हैं, कुछ लोग यूके में बैठे हैं या फिर बाहर के कंट्री में फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर डटे रहोगे यार, कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहे वो इंडिया की किसी लैब में और या फिर चाहे फॉरेन किसी लैब में, कहीं ना कहीं आप लोग पहुंच ही जाओगे। और फिर वो चाहे नोबेल प्राइज टारगेट में हो आपके या फिर साइंस का और कोई प्राइज टारगेट में हो, कुछ लोगों को प्योर साइंस अच्छा लगता है ना, तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए। अच्छा यहाँ पे वीओएस जो है वो केवीपीवाई के लिए तो बड़ा स्पेशलाइज है, ओलम्पियड टाइप एग्जाम के लिए स्पेशलाइज है। नाम ही वेदांतु ओलम्पियड स्कूल है और वी आर डेडिकेटेड फॉर दिस। हम लोग इसके लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत परफेक्शन के साथ ये जितने भी टीचर्स के नाम आपके सामने आ रहे हैं, जैसे अभी शेड्यूल में यहाँ पे अगर हम लोग एस ए वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो अभय सर ज्योमेट्री ले रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल निशान सर वर्क पर एनर्जी ले रहे हैं। मतलब सबका डेडिकेटेड टाइम है, मतलब वो ये नहीं कि आज किसी टाइम क्लास है परसों किसी और टाइम है। तो यहाँ पे यार मेरा टाइम फिक्स है वेंसडे का, और वेंसडे में लास्ट क्लास हमने थोड़ी सी थर्सडे ली थी, अदरवाइज अभी हमारा रेगुलर वेंसडे रहेगा। और वेंसडे में टाइम भी हमारा 4 to 5 रहेगा। निधि मैम का टाइम यहाँ पे देखिए सैटरडे रहता है 11:30 से लेके। और बच्चों अगर यहाँ पे हम और चीज देखें तो ये एस एक्स में अगर कोई बच्चा हो तो एस एक्स के लिए भी हमारी टाइमिंग फिक्स है। जूलॉजी के लिए टाइमिंग हमारी 4 to 5 फ्राइडे, एस ए के लिए वेंसडे है, एस एक्स के लिए ये फ्राइडे है। वेंसडे एंड फ्राइडे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। उधर एनिमल रिप्रोडक्शन हम लोग पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इधर यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए देखिए हमारा कुछ यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कि अपना टैलेंट जो भी कुछ है आप स्लोगन कोई राइट कर सकते हो, कोई कैप्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वीओएस के इस इवेंट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बड़ी सारी चीजें आप लोग के लिए, फोटोज इन एथनिक वेयर, तो एथनिक वेयर में आप लोग अपने फोटो अपलोड कर सकते हो। बाकी मेगा वॉल्ट है अब 14 अगस्त में है, इसके थ्रू भी आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाते हैं हमारे कुछ कोर्सेज में। ये वेदांतो में मतलब प्री आरएमओ करके हमारे पास टेस्ट है, और ये मॉक टेस्ट 4 जो है ये 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए 15 अगस्त में हमने रखा है, एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट है। एनिमल किंगडम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। चलो यार बच्चों यहाँ पे अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि काउंट द एनिमल्स इन द गिवन फिगर, तो इस टाइप की स्लाइड्स आप लोगों ने बचपन में डेफिनेटली देखी भी होगी। ठीक है सौम्या क्या कह रहे हैं जरा देख तो ले यार, मैं बायोलॉजी 11 यहाँ पे क्या क्या है। संतोष कुमार टाइम चेंज कर लो, अभी वेदांतु जेई की क्लास होती है सर, टाइम चेंज कर लो, टाइम चेंज कर ले यार जेई की क्लास। ओहो बेटा रिप्ले में देख लेना और क्या कह सकते हैं यार। हाँ और किस किस का नाम है यार यहाँ पे, ये संतोष यार स्पैमिंग कर रहे हैं बेटा, स्पैमिंग मत करिए। हाँ बेटा दृष्टि बैचेस में तो मेरी क्लास नहीं है हर्ष, दृष्टि बैचेस में मेरी क्लास नहीं है। राघव भी टाइम चेंज करने को कह रहे हैं, महिमा भी टाइम चेंज करने को कह रहे हैं।
चलो बेटा देखते हैं अभी यहाँ पे एडमिन को बोलते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों के क्या रेस्पॉन्स रहता है उसके अकॉर्डिंग। चलो अभी यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। यहाँ पे लिखा है इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स एंड दिस फीचर के लिए इन्होंने नाम ही पूछ रखा है क्या है, विद सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन। ये ऑर्गन का भी रिपीटेशन हो सकता है। और यहाँ पे ये स्लाइड देखे आ चुकी है क्या आपके सामने भाई, थ्योरी बेटा थ्योरी इसके साथ ही पढ़ाने जा रहे हैं ना। यस आई कैन यूज इंग्लिश बट बेटा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बाइलिंगुअल बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बाइलिंगुअल बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिलीवर अ लेक्चर इन बाइलिंगुअल मोड। माइमा साहू कैन यू आंसर दिस। यहां पे देखो एक हमने ये स्ट्रक्चर लिया, एक हमने ये ड्रॉ किया, एक हमने ये ड्रॉ किया, सिमिलर स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसके लिए हमारे पास टर्म क्या आएगा, दिस फीचर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे सेगमेंटेशन, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे मेटामेरिज्म। वैसे ये दोनों ही जवाब सही है, वैसे दोनों ही जवाब सही है, सेगमेंटेशन भी बोलेंगे और मेटामेरिज्म भी बोलेंगे। अब यहाँ पे चलिए ठीक है, मैं इसको चेक नहीं कर पाया। सेगमेंटेशन वैसे किसके लिए यार, क्लीवेज के लिए भी आ जाता है। मेटामेरिज्म एंड सेगमेंटेशन दोनों वर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट इफ वी हैव टू आंसर वन तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज मेटामेरिज्म। ठीक, अगर वो ये पूछे कि मेटामेरिज्म जो है कहाँ कहाँ मिलता है यार, तो बताएगा आप लोगों में सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ मिलता है। सेगमेंटेशन किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहले किसमें मिला, सबसे पहले मिला एनेलिडा में, उसके बाद किसमें मिलता है, उसके बाद मिलता है आर्थ्रोपोडा में, उसके बाद किसमें मिलता है, उसके बाद मिलता है कॉर्डेटा में। पता है ना बच्चों आप लोगों को, सेगमेंटेशन किंगडम एनिमेलिया में 3 जगह मिलता है, मेटामेरिज्म 3 जगह मिलता है। अगर एनेलिडा की बात करें हम लोग, एनेलिडा में इसको हम लोग ट्रू बोल देते हैं। ट्रू किस लिए बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल भी होता है और एनेलिडा में इंटरनल भी होता है इसलिए। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा में खाली एक्सटर्नल होता है। अगर कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में इंटरनल है, वी बिलोंग्स टू कॉर्डेटा। अब आप कहोगे यार हमारी बॉडी में तो कोई ऐसा रिपीटेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोग वर्टिब्री के लेवल पे सोचो तो वर्टिब्री रिपीट हो रही है, आप रिब्स के लेवल पे सोचो रिब्स रिपीट हो रही है, तो ये हमारे इंटरनल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और भी है, अगर इन तीन फाइलम के अलावा आपको और कोई चॉइस दी जाएगी, अगर इन तीन फाइलम के अलावा आपको और कोई चॉइस दी जाएगी तो फिर आपको ये एक और नाम आता है हमारे पास नियोपिलाइना, एक नाम आता है हमारे पास नियोपिलाइना। तो ये जो नियोपिलाइना है ये मोलस्का में आता है, ये मोलस्का में आता है और इसमें भी सेगमेंटेशन होता है, और नियोपिलाइना का सेगमेंटेशन जो होता है ना वो इंटरनल होता है। चलो बच्चों लेकिन एक बात और है, पता क्या है, चीजें क्या पूछी जाती हैं, चीजें एक्सेप्शन में पूछी जाती हैं। अगर एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में अगर हम लोग यहाँ पे आपको एक लिखते हैं लीच, ठीक है, तो लीच में जो है यहाँ पे सिर्फ लीच में सिर्फ ओनली एक्सटर्नल, लीच में सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलता है, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं मिलता। अर्थवर्म में दोनों मिलेंगे, लीच में सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलता है। और एक और नाम आपको अगर लिखते हैं यहाँ पे तो एक नाम आता है हमारे पास यहाँ पे एक नाम अगर किसी ने सुन रखा हो, एक नाम आता है बोनेलिया। बोनेलिया में सेगमेंटेशन नहीं होता, बोनेलिया एनेलिट्स में आता है, इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता। चलो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है। अगर हमने यार यहाँ पे एक फिगर ये बनाई, हमने यार ये स्ट्रक्चर दिखाया,
ये हमने दिखा दी बॉडी वॉल, और ये हमने दिखा दी यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, इसको हमने लिख दिया एलिमेंट्री कैनाल। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो ये आ गई है बॉडी वॉल, गट वॉल, और ये आ गई हमारे पास बॉडी वॉल। तो एलिमेंट्री कैनाल के या फिर गट वॉल के बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को हम लोग सीलोम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है इन सम एनेलिड्स एनिमल द बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मीसोडर्म। अब यहाँ पे ये कह रहा है भैया इसको मीसोडर्म लाइन नहीं कर रही है, मतलब ये कि मीसोडर्म जो है यहाँ पे वो ऐसे पाउच की फॉर्म में मिल रही है, या मीसोडर्म यहाँ पे ऐसे पैचेस की फॉर्म में मिल रही है। जिन लोगों ने प्लस वन की एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी उनको ये पता होगा कि दिस काइंड ऑफ सीलोम इज कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ सीलोम इज कॉल्ड सीडोसीलोम। किस किसने जवाब दिया है भाई? पीसीएम वाले थ्योरी एनसीईआरटी से करेंगे, आयुषी पीसीएम वाले थ्योरी एनसीईआरटी से करेंगे, और कहीं से कुछ नहीं पढ़ता है। और अगर आप लोगों ने आईसीएसई बैकग्राउंड से है तो 9th-10th में जितनी बायोलॉजी पढ़ रखी है उससे भी काम चल जाएगा। पीसीएम वालों को मैथ्स काम कर जाता है, बायो वालों को दिक्कत ही आती है कि एसए में उनको मैथ्स भी देना पड़ता है। दिस इज सीडोसीलो, जहां पे नॉट लाइंड बाय अगर मीसोडर्म है तो उसका मतलब सीडोसीलो है, ठीक है। और अगर लाइंड बाय मीसोडर्म है तो इसका मतलब वहां पे सीलोमेट कंडीशन, सीलोमेट पे अगर हम लोग यू लगा दें तो यू सीलोमेट कंडीशन लिख सकते हैं। और यू सीलोमेट कंडीशन के लिए अगर हम एग्जाम्पल लिख दें तो यू सीलोमेट कंडीशन जो होती है वो आती है कहां से कहां तक, एनेलिड से लेके और फिर कॉर्डेटा तक आ जाएगी, ये हमारे पास यू सीलोमेट, ठीक। सीडोसीलोमेट किसमें आ गई है? सीडोसीलोमेट आ गई है एस्केलेबेंथस में, किसमें? एस्केलेबेंथस में। और एसीलोमेट कंडीशन जो आती है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वो प्लेटी एल्बेंथस के लिए एप्लीकेबल है। और हीमोसीलोम का मतलब होता है, हीम वर्ड किसके लिए आता है बच्चों? ब्लड के लिए। जहां पे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वहां पे सीलोम के अंदर ब्लड फील्ड रहता है। तो अगर कहीं आपको दिया जाए ब्लड फील्ड सीलोम उसको बोलेंगे हीमोसीलोम। एंड एग्जांपल्स आर आर्थ्रोपोड्स, हीमोसीलोम के लिए हमारे पास एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स आ जाएगा, या फिर आर्थ्रोपोड्स के अलावा एग्जांपल मॉलस्क भी हो सकता है। इन दोनों में आपको हीमोसीलोम कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। व्हाट इज एसीलोमेट? एसीलोमेट का मतलब बच्चा ए वर्ड लग गया है ना, ए का मतलब आ जाएगा एब्सेंस के लिए। एब्सेंस का मतलब ये हो जाएगा जैसे हमारे पास ये आ गई है, ये आ गई हमारे पास बॉडी वॉल और ये आ गई हमारे पास गट वॉल। लेकिन है क्या यार, यहाँ पे बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में यहाँ पे कोई टिश्यू भरा हुआ है, यहाँ पे कोई टिश्यू भरा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई टिश्यू भर गया इसका मतलब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचा है, यहाँ पे सीलोम नहीं बची है। तो जहां पे कोई स्पेस बचा नहीं है उस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसीलोमेट कंडीशन, उसके लिए हमारे पास एसीलोमेट कंडीशन बोलेंगे हम लोग। चलो यार और देखते हैं यार, यहाँ पे आइडेंटिफाई द एनिमल विच इज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, आइडेंटिफाई द एनिमल विच इज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का मतलब ये लाइक दिस, ये हमारे पास कोई नर्व का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास कुछ उसको इंटरकनेक्ट करते हुए स्ट्रक्चर है। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए देखते हैं आप में से कौन आंसर करेगा। ऐश्वर्या द्विवेदी आपने बहुत अच्छा आंसर किया मीसोग्लिया, अब देखते हैं आप यहाँ पे क्या आंसर करने वाले हो। ओमन वर्मा समझ ही नहीं आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे देखो पता क्या है, इसका मतलब ये कि आपका जो बायोलॉजी का बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है, या तो आप मैथमेटिक्स से हो और या फिर बेटा अगर नहीं, बायोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है तभी आपको चीजें समझ में आ पाएंगी। यहाँ पे मैं बायोलॉजी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बायोलॉजी का एक बेसिक आइडिया आपको होगा, अगर होगा तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुनो याद रह जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर आपको बताया जाए इसमें प्लेटी एलिमेंटिस इज द आंसर, प्लेटी एलिमेंटिस इज द आंसर, प्लेटी एलिमेंटिस में लैडर लाइक मिलेगा, प्लेटी एलिमेंटिस में नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक मिलता है, एक तो ये। बाकी और कहीं यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आपको याद कराया जाए। फिर अगर ये अगर हाइड्रा दिया जाए ना, अगर हाइड्रा दिया जाए या फिर निडेरिया दिया जाए, निडेरिया में भी नर्वस सिस्टम में कुछ खास बात होती है, किसी को आइडिया है? किसी को हाइड्रा के या निडेरिया के नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया है कैसा होता है?
इज इट लेटर लाइक, इज इट वेल डेवलप्ड, इट इज पुअरली डेवलप्ड, कैसा होता है यार? PCM, should I read NCRT or this question discussion is sufficient for KVP भाई? बेटा अगर NCRT read कर लेते हो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर question discussion में participate करते हो तो ये भी कुछ ना कुछ तो help करेंगे। मुनीश जैन ये भी कुछ ना कुछ तो help करेंगे। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल complete है क्योंकि NCRT जरूरी है यार। हाइड्रा में अगर नहीं पता आप लोगों को तो वहां पे नर्व नेट की फॉर्म में नर्वस सिस्टम होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यस इट इज पुअरली डेवलप्ड और यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया है कि नो नर्वस सिस्टम, नो ब्रेन, नो ब्रेन, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ डिफ्यूज्ड नेटवर्क, इट इज इन फॉर्म ऑफ डिफ्यूज नेटवर्क, डिफ्यूज नेटवर्क की फॉर्म में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बेस्ट, सिमेट्री के रिगार्डिंग दे रखा है। अब फिर वो ये देखिए, जिनको सिमेट्री का अंदाजा होगा वो लोग आंसर कर पाएंगे। सिमेट्री का मतलब ये कि जहां पे आप लोगों के पास एक ये ग्लास है, अब इस ग्लास को या इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को आप चाहे इस प्लेन से काटो तब भी दो इक्वल आवे, आप ऐसे काटो तब भी दो इक्वल आवे, ऐसे काटो तब भी दो इक्वल आवे, ऐसे काटो तब भी दो इक्वल आवे। लेकिन ये कि अगर आपको ये दे रखा है, कोई फ्रॉग दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है, कुछ ऐसे एनिमल दे रखा है, इसमें आप लोग इस प्लेन से इक्वल आप बनेंगे, अदरवाइज अगर आप ऐसे काटोगे तो इक्वल आप नहीं आएंगे, ऐसे काटोगे तो इक्वल हाफ नहीं आएंगे, कुछ ये फंडा है। तो जहां पे बॉडी को किसी भी प्लेन से हम इक्वल हाफ पे बांट सकते हैं वो रेडियल सिमेट्री है। और जहां पे मुनीश जैन 9th 10th आईसीएससी बायोलॉजी इज सफिशिएंट, मतलब क्वाइट सफिशिएंट, क्वाइट सफिशिएंट। रेडियल सिमेट्री के बारे में, रेडियल सिमेट्री के बारे में अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, यहां पे कुछ तो स्पॉन्जेस आते हैं, लोअर स्पॉन्जेस, जैसे कुछ स्पॉन्ज एनसीईआरटी में बने हुए ये ऐसे दिखा रखे हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री है। लोअर स्पॉन्जेस के बाद फिर आता है निडेरियंस, निडेरियंस में ये रेडियल सिमेट्री है, निडेरियंस के बाद आता है टीनोफोरा। अब ये टीनोफोरा जो है इसमें भी रेडियल सिमेट्री है, और इसके बाद आता है फिर हमारे पास एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, इनमें भी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और जगह रेडियल सिमेट्री नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखो जो पूछ क्या रखा है कि अगर आप लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, पहले करेक्टली देख लो, करेक्टली रेडियल सिमेट्री इन सिलोमेट्स, दिस इज करेक्ट मैच। सिलोमेट्स में एस्केरमेंटस लिखा हुआ है, अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, जहां पे देखो ये सिलोमेट्स पढ़ा था ना हम लोगों ने, सिलोमेट बोला हमने एनेलिडा से कॉर्डेटा तक, एस्केरमेंटस में क्या बताया हमने, सीडो सिलोमेट। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारी स्लाइड थी ये सिलोमेट के साथ एस्केरमेंटस अगर इन्होंने लिखा है ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, इसको क्रॉस कर दो। मेटामेरिज्म मोलस्का में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज जनरली तो नहीं मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पॉन्जेस में नहीं होता है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो होती है वो स्टार्ट होती है प्लेटियल मिंथस से, और स्पॉन्जेस प्लेटियल मिंथस से पहले आ जाएंगे। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर रेडियल सिमेट्री के साथ सिलेंट्रेट। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहां पे देखो क्या लिखा है कि इसने ये पूछा है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन सी है, अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी सेल है जो कि काइंड ऑफ स्टेम सेल की तरह काम कर रही है, काइंड ऑफ स्टेम सेल। शाहिक अफजल, पीसीबी स्टूडेंट बड़े आराम से ना दिया, पीसीबी स्टूडेंट क्यों नहीं क्रैक कर सकते भाई? आप लिस्ट अगर देखोगे तो पता नहीं यार, मैं तो बायो ही पढ़ाता हूँ यार, मेरे स्टूडेंट तो पीसीबी वाले ही हैं, और पीसीबी वाले हर साल मुझे कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं यार, मैं कितनी लंबी लिस्ट लिखू यार, यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा लिस्ट लिखना। चलो यहाँ पे यार ये साहिक फजल, अभिनव द्विवेदी एंड संजीव पाल, इन लोगों ने आंसर किया कि इट इज इंटरस्टिशियल सेल। किसके लिए पूछा है यहाँ पे, इन्होंने एनिमल्स का नाम नहीं दे रखा है, ये हमारे पास किसके लिए, ये एप्लीकेबल है हमारे पास निडेरियंस के लिए। हाइड्रा वगैरह में जो इंटर ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है उनका नाम इंटरस्टिशियल सेल होता है, उनका नाम इंटरस्टिशियल सेल होता है, वो किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो गोइनोसाइट्स हैं,
इनको बोलते हैं हम लोग कॉलर्ड सेल, इनको बोलते हैं हम लोग कॉलर्ड सेल। ये जो गोइनोसाइट है इनको अब और बोलते हैं फ्लैजिलेटेड सेल, इनको बोलते हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड सेल। किसी को पता है कॉलर्ड सेल किसकी प्रॉपर्टी है? किसी को पता है कॉलर्ड सेल किसकी प्रॉपर्टी है? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हिट द कमेंट बॉक्स। गोइनोसाइट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम? गोइनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम? अच्छा तुक्के लगा रहे हो, वेरी गुड यार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉरीफर्स। डटे रहिए, सुनते रहिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नादिया ने पॉरीफेरा आंसर किया, दिस इज करेक्ट यार। इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज? ये हमारे पास पॉरीफेरा का एक स्पॉन्ज का हमने ये स्ट्रक्चर दिखाया, और इस स्पॉन्ज में हमने यहां पे अभी कुछ और भी दिखाने जा रहे हैं। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते यहां पे, ये ऐसे। अच्छा यहां पे मैंने आपको ये कुछ जगह दिखा दिए, गैप दिखा दिया। ये गैप अगर आपको पता हो, ये एक्चुअली पोर से कुछ है। इन पोर का आपको नाम पता होगा, वी कॉल दीज पोर ऑस्टिया। इनको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, और ऑस्टिया जो होते हैं ना ये इनलेट्स होते हैं, इनके थ्रू पानी एंटर करेगा। तो पानी जो है ऑस्टिया से आएगा, यहां कोई स्ट्रक्चर है, और फिर यहां से निकल जाएगा बाहर। ऑस्टिया हमने लेबल कर ही दिया है। ये जो हमारे पास ये जगह है, इस जगह का नाम हमारे पास क्या होता है? इस जगह का नाम होता है हमारे पास स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज की कैविटी का नाम स्पॉन्जोसील। और ये जो एग्जिट है ना, इस एग्जिट का नाम हमारे पास ऑस्क्यूलम। और ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग एस्कन टाइप। ये जो एस्कन टाइप है ना, ये होता है सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम। ये हमारे पास सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है जिसको वी कॉल एस्कन टाइप। इसको हम लोग एस्कन टाइप बोल रहे हैं। रूट हमें क्या मिल गया? ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा, वाटर ऑस्टिया से एंटर करेगा, स्पॉन्जोसील में आएगा, और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बच्चों आंसर बताइए, बच्चों आंसर बताइए। बायो की स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी यार। शिवराज सिंह थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, अभी मेरी क्लासेस रेगुलर चल रही है, थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। बिल्कुल आंसर आ चुका है ए। यहाँ पे ये स्पॉन्जोसील पहले दे रखा है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ऑस्क्यूलम पहले दे रखा है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ऑस्क्यूलम पहले दे रखा है, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस? स्पॉन्जेस में कौन सी फीचर नहीं होती है? अभी देख लेते हैं एक एक करके। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें एक तो होता है सेल्यूलर, एक होता है यहां पे ये सेल्यूलर के बाद एक होता है हमारे पास यहां पे, पता होगा आप लोगों को। सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। पता है अगर हम लोग सेल के लेवल की बात करें, आंसर पॉरीफर्स। टिश्यू लेवल की बात करें, आंसर निडेरिया एंड टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल की बात करें, आंसर प्लेटिकल मिथिस। ऑर्गन सिस्टम की बात करें, एस्केलमेंटिस से लेके कॉर्डेटा, एस्केलमेंटिस से लेके कॉर्डेटा। सेल्यूलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। चलो यहां पे वैसे अगर आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ के एक बार नजर डालें,
तो फिर हमारे पास ये काइटिन जो है इसका कोई मतलब नहीं है। बॉडी सपोर्टेड बाई कार्टिन का मतलब ये, काइटिन का मतलब ये किसकी फीचर है, ये आर्थ्रोपोड्स की फीचर है, ये आर्थ्रोपोड्स की फीचर है। और यहाँ पे स्पॉन्जेस के बारे में लिखा हुआ है, ये तो मैंने कमेंट बॉक्स अभी देखा है, तो आप लोगों ने मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही सब आंसर कर चुके हैं। दिस इज वेरी गुड यार, दिस इज वेरी गुड यार, आप लोग ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा काइटिन। काइटिन के बारे में पता ही होगा ना आप लोगों को। अगर काइटिन की बात करते हैं बच्चों हम लोग, ये क्या होता है, ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली किसका पॉलीमर है, ये नाग का पॉलीमर है। जो लोग बायो वाले उनको पता होगा एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन इसका पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, इसका होमो पॉलीमर है, इसका होमो पॉलीमर है, याद होगा ना बच्चों आपको ये। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक ही होगा यार, इन दोनों में से कोई एक होगा, जेम्यूल फर्टिलाइजेशन। अभी जेम्यूल फर्टिलाइजेशन तो थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, क्योंकि जेम्यूल फर्टिलाइजेशन से तो नहीं बनता है। एंड गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन, ये जेम्यूल फॉर्मेशन है, ये फर्टिलाइजेशन की जगह हम लोग जेम्यूल फॉर्मेशन लिख लेते हैं। आंसर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐश्वर्या द्विवेदी की बायोलॉजी मुझे अच्छी लग रही है यार, क्योंकि इनके जवाब मुझे काफी जगह सही लग रहे हैं यार। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते जैसा कुछ नहीं है, फैक्ट है, आपको यही याद रखना पड़ेगा, यही याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे इसने फुल स्टॉप करके लिख दिया यहाँ पे सेगमेंटेशन, जिसके लिए हम लोगों ने और क्या वर्ड यूज किया था, पहला ही क्वेश्चन था जिसके लिए हमने मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज किया था। अब इसने यहाँ पे उसी के ऊपर सवाल दे दिया, भैया ये पूछ रहा है कि इनमें सबसे पहले सेगमेंटेशन कौन से फाइलम में आया, सबसे पहले सेगमेंटेशन। पीसीएम स्टूडेंट है लेकिन फिर भी आपके जवाब तो सही आ रहे हैं यार यहाँ पे, लेकिन आपका आंसर मुझे देखना पड़ेगा अभी आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या करने वाले हैं। यहाँ पे ये शाहिद अफजल का जवाब सही है, ऐश्वर्या द्विवेदी का जवाब भी सही है, अरे यार वेरी गुड। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, यही तो है, और इन तीनों में एनेलिडा फर्स्ट आता है, तो आंसर इज एनेलिडा, आंसर इज एनेलिडा यार। डूइंग ग्रेट भाई, डूइंग ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बच्चों आर्थ्रो वर्ड जो होता है ना वो होता है हमारे किसके लिए, जॉइंट के लिए होता है, आर्थ्रो वर्ड जॉइंट्स के लिए होता है। और ये जो पोडा वर्ड है ये होता है किसके लिए, ये होता है फीट के लिए, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं यहाँ पे। अब इसने पूछा है कि यार आर्थ्रोपोडा के लिए कौन सा यहाँ पे सही है, सिल्वर फिश सही है, क्योंकि सिल्वर फिश जो होता है इसके नाम में भले ही फिश आ रहा हो लेकिन ये इंसेक्ट होती है, आपकी बुक शेल्फ में या बुक में मिल जाएगी। लेकिन स्टार फिश जो है वो आर्थ्रोपोडा में नहीं आता है, स्टार फिश जो होती है वो अगर आपको फाइलम का नाम पता हो वो आती है इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। प्रॉन जो आता है वो आर्थ्रोपोडा में आता है, तो ये पहला ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। यहाँ पे क्लैम वॉर्म, रैग वॉर्म, ये हमारे पास एनेलिड्स में आएगा। एप्पल स्नेल जो है ये भी हमारे पास स्नेल है, ये हमारे पास आएगा मॉलस्क में। एंड हनी बी जो है ये हमारे पास आर्थ्रोपोडा में। अब यहाँ पे हमारे पास सी स्टार है, सी स्टार मतलब स्टार फिश है इकाइनोडर्मेटा। टंग वॉर्म का मतलब हेवी कॉर्डेटा। एंड स्कॉर्पियन का मतलब आर्थ्रोपोडा। अब हमारे पास इसका मतलब ये भी क्रॉस कर दिया, जब हमने तीन क्रॉस कर दिया हमारे पास यही बचा ना, कॉकरोच हमारे पास आर्थ्रोपोडा में, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा में और प्रॉन भी आर्थ्रोपोडा में। तो ये हमारे पास लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा के सारे मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप लोग ऑलरेडी आंसर कर चुके हो इसको। व्हाट इज कॉमन अमंग क्रैब एंड हनी बी, क्रैब के और हनी बी के बीच में क्या कॉमन है, क्रैब और हनी बी के बीच में। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जो है आर्थ्रोपोड्स हैं, दोनों आर्थ्रोपोड्स हैं। अब देखते हैं यार क्या कॉमन है, बच्चों जल्दी से देखते हैं यार, आपके कमेंट हो सकते हैं मुझे लेट आए, लेकिन यहाँ पे शाही का फजल ने सबसे पहले रिप्लाई किया है, बाकी और देखते हैं। ऐश्वर्या द्विवेदी का वेट कर लेते हैं, शंकर का वेट कर लेते हैं, क्या क्या आंसर करने वाले हो आप लोग। यहाँ पे देखो क्रैब जो है
उसमें भी जॉइंटेड लेग मिलेंगी, हनी बी में भी जॉइंटेड लेग मिलेंगी। तो ये जैस्मिन कौर ने भी यार यहाँ पे हिट कर दिया कमेंट बॉक्स में, एंड द आंसर इज हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इज जॉइंटेड लेग। मेटामॉर्फोसिस दोनों के लिए कॉमन नहीं है, कंपाउंड हाई दोनों के लिए कॉमन नहीं है, क्रैब में कॉमन अमंग क्रैब 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 एंड हनी बी। नहीं भैया कंपाउंड आईज भी कॉमन होंगी बच्चों, कंपाउंड आईज भी कॉमन होंगी, जॉइंटेड लेग भी कॉमन होंगी। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हेमी कॉर्डेटा। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि हेमी कॉर्डेटा तक आप लोगों ने, ये जिन लोगों के पास प्लस वन में बायोलॉजी होगी और वो किंगडम एनिमेलिया कर चुके होंगे उन्हीं को पता होगा। यहाँ पे मैंने एक ये एनिमल की फिगर बनाई है, इस एनिमल की फिगर से अगर आप इस एनिमल को पहचान लोगे फिर इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे, अगर आप इस एनिमल को पहचानते हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर दोगे। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारे पास प्रोबोसिस, इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारे पास कॉलर, और इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारे पास ट्रंक। एनसीईआरटी में लेबलिंग गलत हुई है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में कॉलर इसको लिखा हुआ है। किसी को ये पता है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, किसी को ये पता है कि इस स्ट्रक्चर का नाम मतलब इस एनिमल का नाम क्या है? चलो आपका रिप्लाई आ नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे हमने एनिमल रिप्रेजेंट किया है एनसीईआरटी में बना के दिखा रखा है, इस एनिमल का नाम है मेलेनोग्लॉसिस, और मेलेनोग्लॉसिस में ये प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती है इट इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग और बोलते हैं ग्लोमेरुलस, प्रोबोसिस ग्लैंड है या फिर ग्लोमेरुलस है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ऐश्वर्या ने आंसर कर दिया था, एंड यहाँ पे समाद्रिता भट्टाचार्य ने भी आंसर कर दिया था, और बहुत अच्छे फॉन्ट में लिखा है मेलेनोग्लॉसिस, बहुत अच्छे फॉन्ट में मेलेनोग्लॉसिस लिखा है, मतलब मेरी राइटिंग यार मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ लेकिन वो कर्सिव वाली जो है वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता, तो आप लोग अच्छा लिख लेते हो यार। हाँ ये तो वैसे फॉन्ट है लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों को ये कैलीग्राफी आती होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। यहाँ पे किसी एनिमल का नाम होगा ऑप्शन में और उसकी फीचर दे रखी होगी। अगर किसी ने सेशन अभी शुरू से अटेंड कर रखा है, अगर किसी ने सेशन अभी बीच में छोड़ा नहीं है उसको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि अभी हम लोग सीलोम टाइप कंडीशन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वेट कर लेते हैं, शाहिक एंड ऐश्वर्या द्विवेदी वेरी गुड यार बच्चों, इसका मतलब ये देखो आप लोगों को डेफिनेटली या तो ये चीजें पहले से पता थी, और अगर पहले नहीं पता थी तो यहाँ बैठे बैठे आप लोगों को इतना तो सीखने को मिल ही गया है कि अगर हम लोग राउंड वॉर्म्स की बात करते हैं, राउंड वॉर्म का मतलब एस्केलमेंथेस है, और राउंड वॉर्म में जो सीलोम मिलती है वो सीलोम होती है सीडो सीलोम, मतलब फॉल सीलोम है। मोलस्का में एसिलोमेट कंडीशन होती है, मोलस्का में एसिलोमेट कंडीशन होती है तो ये ए हटा देते हैं तब सही होगा, सीलोमेट कंडीशन होती है। तो करेक्ट ही पूछा है बेटा, करेक्ट ही पूछा है यहां पे, एंड फर्स्ट इज करेक्ट। एनेलिड्स में सीडो नहीं होता है, एनेलिड में सीलोमेट कंडीशन होती है, फ्लैट वॉर्म में सीलोमेट नहीं होती है, फ्लैट वॉर्म में एसीलोमेट कंडीशन होती है। तो यहां पे हमारे पास तीन ऑप्शन गलत हो गए और पहला ऑप्शन हमारा सही है। फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर इनवर्टिब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। फाइलम मोलस्का सिमेट्री बायलेटरल होती है, एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है, मेंटल एंड गिल्स, गिल्स और भी जगह हो सकते हैं, शेल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी, मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी इज करेक्ट आंसर, मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मेंटल जो है वो बड़ी स्पेसिफिक फीचर है और किसी फाइलम में नहीं मिलता है, मेंटल और किसी फाइलम में नहीं मिलता है। आर्थ्रोपोडा में नॉट पूछा है भाई, यहां पे ये ध्यान रखना है नॉट पूछा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नॉट पूछा है। पैराबोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलो यार, यहाँ पे किस किस ने, निलाद्री ने, शफीक ने, फजल ने, शंकर ने, ऐश्वर्या द्विवेदी, सबका तो आंसर सही है यार। पैरापोडिया किसकी फीचर है? पैरापोडिया एनेलिड्स की फीचर है, एनेलिड्स की फीचर है, सबकी फीचर नहीं है। एनेलिड में अगर हमने यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर बनाया, एनेलिड में हमने ये बनाया, और इसमें क्या होता है यहाँ पे ये साइड में कुछ फीट्स होते हैं। पैरा वर्ड आता है यहाँ पे पैरेलल के लिए या साइड के लिए, ये पैरा वर्ड आ गया, ये पैराबोडिया है, और इनके साथ यहाँ पे लगे होते हैं सीटी, इनके साथ लगे होते हैं सीटी, और ये हमने क्या बनाया है, ये एनिमल बनाया हमने नेरिस, और नेरिस बिलोंग्स टू एनेलिडा। तो ये पैरापोडिया जो है किसकी फीचर है? पैरापोडिया का मतलब ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर किस काम में आता है, ये स्ट्रक्चर लोकोमोशन के काम में आता है और रेस्पिरेशन के भी काम में आता है, लोकोमोशन के काम में आता है, रेस्पिरेशन के भी काम में आता है। चलो ठीक है भाई, ऐसे कौन से चैप्टर फ्रॉम 11 12 पढ़ना है फ्रॉम बायो, कैन यू प्लीज टेल सर फ्रॉम पीसीएम स्टूडेंट। बेटा मैं अभी इसके लिए एक जो है मतलब अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कि एक तो ये 11 12 दोनों नहीं पढ़ना यार, अगर आप एस ए वाले हो तो 11th पढ़ना है, अगर आप एस एक्स वाले हो तो 12th पढ़ना है, अगर एस ए वाले हो तो 11th पढ़ना है, एस एक्स वाले हो तो 12th पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिसमैच दे रखा है और मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी वाले बच्चे अब यहाँ पे सेशन में एंट्री मार चुके हैं, क्योंकि मेरे बिना बताए आप लोग के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, स्केल रेप्टाइल्स में मिलेंगे। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स मिलता है टीनोफोरा में, तीन वर्ड कोम के लिए आता है, और यहाँ पे हमारे पास एक फाइलम है टीनोफोरा, टीनोफोरा जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग और बोलते हैं गूसबेरी, जिसको हम लोग और बोलते हैं गूसबेरी, जिसको हम लोग और बोलते हैं कुछ कुछ यार यहाँ पे सी वॉलनट बोलते हैं, क्या क्या नाम दिया हमने, या तो हमने लिखा गूसबेरी बोलते हैं या फिर और बोलते हैं हम लोग सी वॉलनट, ठीक है, या फिर कॉम जेलीज बोलते हैं या और बोलते हैं कॉम जेलीज। तो इनके अंदर कॉम प्लेट्स मिलती है जो कि किस काम में आती है, जो कि लोकोमोशन के काम में आती है, जो कि लोकोमोशन के काम में आती है। चलो ठीक है भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल में बच्चों आप में से कोई बताएगा क्या जल्दी से? बेटा एस ए वालों के लिए यार बायोलॉजी इतनी तो पढ़नी पड़ेगी ना, नहीं बच्चों यहाँ पे हमारे पास एसीडिया तो एनसीईआरटी में फिगर में दे रखा है, सेल्पा डॉलियोलम लिखा हुआ है तो आंसर ऑल आ जाएगा, यूरोकॉर्डेटा में आंसर ऑल आ जाएगा। यूरो वर्ड आता है टेल के लिए और कॉर्डा वर्ड आता है नोटोकॉर्ड के लिए, इसी का एक दूसरा भी नाम होता है ट्यूनिकेटा, यहाँ पे ट्यूनिक वर्ड आता है कवरिंग के लिए और एटा वर्ड आता है टूबियर के लिए। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है लार्वा की टेल में मिलती है, इसलिए नाम यूरोकॉर्डेटा है, और बॉडी के ऊपर एक ट्यूनिसिन मटेरियल होता है उसकी कवरिंग मिलती है, इसके नाम ट्यूनिकेटा होता है, इसके नाम ट्यूनिकेटा होता है, ठीक है, डी इज द आंसर। क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश। अब यहाँ पे अगर व्हेल की बात कर रहे हैं, व्हेल आता है मैमल्स में, और डॉग फिश की अगर बात करते हैं तो डॉग फिश आ रही है पाइसेस में। ये कह रहा है सिमिलर टू व्हेल एंड डॉल्फिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मतलब इसने क्रोकोडाइल रेप्टाइल से ले लिया, पेंगुइन बर्ड से ले लिया, इसका मतलब आपको वर्टिब्रेटा वाली फीचर ढूंढनी है, इसका मतलब आपको वर्टिब्रेटा वाली फीचर ढूंढनी है, और यहाँ पे बच्चों ने आंसर कर दिया कीमी पतले ने सबसे सही जवाब दिया है, सॉरी फॉर बीइंग लेट, यहाँ पे प्रथमेश कोई बात नहीं बेटा,
प्रथमेश वैद्या आंसर करिए, बस लेट हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर करिए। ऐश्वर्या द्विवेदी ने भी आंसर कर दिया, हैविंग गेन स्टेट एट सम स्टेज। एक तो गेन स्टेट का किसी स्टेज पे हो पाना, एक नोटोकॉर्ड जो है उसका किसी स्टेज में मिलता, और एक होता है हमारे पास डॉर्सल, और एक होता है हमारे पास डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का किसी स्टेज में मिलना। अगर आप किसी एनिमल को कॉर्डेट क्लेम करते हो, अगर आप किसी एनिमल को कॉर्डेट क्लेम करते हो तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में, अगर किसी एनिमल को कॉर्डेट क्लेम करते हो तो उसके अंदर लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में ये फीचर मिलनी चाहिए। नर्व कॉर्ड मिलनी चाहिए, नोटोकॉर्ड मिलना चाहिए, गिल स्टेट्स मिलना चाहिए, तब वो कॉर्डेट कहलाएगा, तब वो कॉर्डेट कहलाएगा। एनसीईआरटी की अगर आपको फिगर याद हो, एनसीईआरटी ने ऐसे एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट दिखा रखा है, ऐसे एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट दिखा रखा है एनसीईआरटी की, अगर आपको फिगर याद हो। इस फिगर में यहाँ पे माउथ दिखा रखा है, यहाँ पे फेरिंग्स दिखा रखा है, इधर फेरिंग्स से आगे यहाँ पे ये दिखा रखा है, इधर फेरिंग्स से आगे ये दिखा रखा है, और यहाँ पे फेरिंग्स ने कुछ दिखा दिए स्लिट्स, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया हमारे पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉलिड करके दिखाते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास नोटोकॉर्ड, जिससे क्रेनियम एंड वर्टिब्री बन जाएगा, जिससे आगे जाके क्रेनियम एंड वर्टिब्री बन जाएगा। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम लोग और बना लें, एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पे और बना लें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाता है, ये स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास डीटीएनसी। इसको बोल दिया डीटीएनसी डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इससे आगे ब्रेन बन जाएगा और इसके पीछे वाले पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा, नोटोकॉर्ड से क्रेनियम बन जाएगा और वर्टिब्री बन जाएगी। गिल्स जो है ये हमें गिल्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारे गिल्स खत्म हो जाएंगे। अगली क्लास में कौन सा चैप्टर लेंगे, और अगली क्लास में फिजियोलॉजी लेंगे कुछ, या फिर एस ए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेंगे कुछ, यार अभी एक वीक है बेटा, अभी बताते हैं अगली क्लास में क्या लेने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है और इसने पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, इसने इनकरेक्ट पूछा है नोटोकॉर्ड के बारे में। ओके बेटा, ओके, आई हैव टेकन येलो कलर। प्रथमेश, ओ माय गॉड, इनकरेक्ट, इट इज एब्सेंट नोटोकॉर्ड, एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। कितना बड़ा झूठ लिख दिया यार, और कितना बड़ा झूठ लिख दिया। तो आंसर यही हो गया ना, आंसर यही हो गया। चलो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन, वर्टिब्रेट्स की फीचर की बात कर रहा है, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल, सब जगह ऐसा नहीं होता है भाई। अगर हम लोग फिश की बात करें नेक नहीं होती है, अगर हम लोग कुछ एनिमल की बात करें वहां टेल नहीं होती है, तो सारे वर्टिब्रेट्स के लिए डिवीजन एप्लीकेबल नहीं है। अगर बॉडी कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, एम्फीबिया में एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, पोजीशन ऑफ टू पेयर ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, स्नेक्स में नहीं होते हैं, एम्फीबिया में भी बहुत सी जगह नहीं होते हैं, तो सब जगह अपेंडेजेस नहीं है, तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ डेवलप्ड स्कल, स्कल का मतलब यहाँ पे ये वर्टिब्रेट्स की फीचर आ जाएगी, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर स्कल अच्छे से डेवलप होगी, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है बायोलॉजी में प्लस वन की तभी आंसर कर पाओगे। ऐश्वर्या द्विवेदी, बच्चों आंसर करिए भाई, प्रथमेश ने आंसर किया कि लैम्प्रे कॉन्ट्रैक्ट चीज में है या नहीं है, उन्होंने खुद क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
साइक्लोस्टोमेटा में सॉ फिश, सी ऑर्क, ऑस्टिक्टीज, हैग फिश, ऑस्टिक्टीज। करेक्ट मैच पूछा है, नहीं करेक्ट पूछा है बच्चा, करेक्ट। इसका मतलब ये बायोलॉजी वाले बच्चे गायब है प्लस वन के, प्लस वन वाले बायो वाले बच्चे गायब है इसका मतलब। शंकर का जवाब यहां पे सही है, शंकर का जवाब सही है यहां पे। अच्छा प्रथमेश जो है वो पीसीएम स्टूडेंट है, इसलिए उन्होंने बायो यार पढ़ी नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास सी हॉर्स, ऑस्टिक्टीस। सी हॉर्स जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग हिप्पोकैम्पस। ये ऐसी फिश है जिसका हेड जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है जैसे हॉर्स। ये फिश ऐसी है इसका हेड जो होता है ना वो हॉर्स जैसा होता है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ये टेल होती है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ ये बता पेरेंटल केयर, इसके अंदर पेरेंटल केयर भी मिलती है। पेरेंटल केयर का मतलब ये कि यहाँ पे प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं, इसमें जो मेल मेंबर होता है ना यहाँ पे उसके पास एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर वो किसको, उस पाउच के अंदर वो यंग वंस को लुकआफ्टर करने के लिए रखता है, प्रीडेटर से बचाने के लिए। अरसलान बेटा अभी नाइन्थ क्लास में तो ये सब नहीं दे रखा है, नाइन्थ क्लास से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल सही टाइम है स्टार्ट करना। अगर आज की डेट में अगर आप लोग ऑल इंडिया रैंक, अगर अभी फिलहाल ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 10 तक की बात करें हम लोग, तो उन्हीं लोगों की आती है जो अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, जो 9th-10th से पढ़ना शुरू कर देते हैं उनकी बेटर रैंक के चांस रहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप 9th के साथ 10th का सिलेबस करो, 10th के साथ 11th का सिलेबस करो, 11th के साथ 12th का सिलेबस करो और 12th में आते आते सारा रिवीजन मार दो। आपको एक क्लास एडवांस चलना पड़ेगा, 9th में आपको 10th का डालनी पड़ेगी, 10th में आपको 11th का डालनी पड़ेगी और 11th में आते आते आप 12th का डालोगे तो आप बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर पाओगे। हाँ तो अगला शोएब आफ्ताब बेटा बोल के नहीं मना जाएगा, करके मना जाएगा ना। यस एवरी वेंसडे एट 4 PM, एवरी वेंसडे एट 4 PM। शुभकामनाएं आपके लिए, शुभकामनाएं आप लोगों के लिए यार के सब लोग अगला शोएब आफ्ताब बनना चाह रहे हो। 720 का टारगेट है। द लिम्बलेस एम्फीबियन, अब एम्फीबिया में आपको दिमाग में आता होगा फ्रॉग और फ्रॉग में आपको दिमाग में आता होगा कि लिम्ब्स के 2 पेयर है, लिम्ब के 2 पेयर हैं, लेकिन यहां पे बोल दिया लिम्बलेस। लिम्बलेस एम्फीबियन जो होते हैं ना उनमें एक नाम आता है एपोडा, ए वर्ड आता है एब्सेंट के लिए और पोडा वर्ड आता है लिम्ब्स के लिए, इसका मतलब लिम्ब्स एब्सेंट है। आंसर करेगा कोई? अरे वाह यार पता कैसे था आप लोगों का, ये आंसर इक्टियोफिस है और इक्टियोफिस आप लोगों ने सही बोल दिया। अरे आकांक्षा सिंह भी बेटा, बिल्कुल आकांक्षा सिंह भी, बल्कि मेरी नजर में आकांक्षा सिंह का अचीवमेंट ज्यादा बड़ा है, मेरी नजर में आकांक्षा सिंह का अचीवमेंट ज्यादा बड़ा है। रीजन ये कि इस बच्ची की एज जो है वो शोएब आफ्ताब से कम थी, इसने कम एज में ज्यादा बड़ा काम किया था, इसने कम एज में ज्यादा बड़ा काम किया था। वो तो नीट का जो हमारे पास फॉर्मूला है, नीट का फॉर्मूला वो ये है कि जिसकी एज ज्यादा होती है अगर बराबर मार्क्स आ जाए तो फिर जिसकी एज ज्यादा होती है उसको रैंक ऊपर दी जाती है, वो थोड़ा गलत है। चलो बच्चों, द फ्लाइटलेस बर्ड्स अमंग द फॉलोइंग इज, फ्लाइटलेस बर्ड्स में मतलब जो बर्ड्स उड़ नहीं पाती है उनकी बात कर रहे हैं। कोलंबा नाम मैं आपको बता देना किसके लिए आता है, कोलंबा आता है पिजन के लिए और पिजन तो पुराने जमाने में यार चिट्ठी पत्री ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे, मतलब ये डाकिये वाले काम करा करते थे। नियोफ्रन किसका नाम है, नियोफ्रन इज द नेम ऑफ वल्चर, ये वल्चर का नाम है। कॉर्वस किसका नाम है, कॉर्वस क्रो का नाम है, ये तो तीनों उड़ते हैं। बचा स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो किसका नाम है, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच का नाम है और ऑस्ट्रिच जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स में आती है। सबसे बड़ी बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड है, हैवीएस्ट बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड है, हैवीएस्ट बर्ड है। 180 kg वेट होता है, हमारे से बहुत ज्यादा वेट है, हमारे से बहुत ज्यादा हाइट है। हाँ लेकिन ये थोड़ा मतलब अच्छी सी बर्ड होती है, ऑस्ट्रिच प्राइड भी होती है ना,
ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन करेगा? और ऑल दीज गिवन इन एनसीईआरटी, यस प्रथमेश, ऑल दीज आर गिवन इन एनसीईआरटी, ऑल दीज नेम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, ऑल दीज नेम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। एम्फीबियन शेयर विद रेप्टाइल ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। वेंट्रल हार्ट वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब सब में मिलेगा, सब में मिलेगा। डायशियस एंड ओवीपेरस जो है ये भी दोनों का दोनों में आएगा। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल दोनों डायशियस हैं और दोनों ओवीपेरस हैं। कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मिक ये भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्फीबिया में तो है लेकिन रेप्टाइल में नहीं है। रेप्टाइल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है लेकिन रेप्टाइल में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, रेप्टाइल में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज एब्सेंट इन ऑल क्वाड्रेंट एक्सेप्ट मैमल, मतलब मैमल्स को छोड़ के बाकी और सारे क्वाड्रेंट्स में कोई फीचर एब्सेंट है, या ये बोल सकते हैं बस कोई फीचर ऐसी जो कि खाली मैमल्स में मिलती है। प्रथमेश बहुत इजी क्वेश्चन है, पीसीएम वाले भी बता सकते हैं, पीसीएम वाले भी बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजश्री एंड यहाँ पे शफीक अफजल, दिस इज द यहाँ पे आंसर मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से ही नाम बच्चों मेमेलिया बना है, मेमेलिया नाम इसीलिए तो रखा है यार, मेमरी ग्लैंड से ही आया है। और मेमरी ग्लैंड जो होती है ना किसका मॉडिफिकेशन है, मेमरी ग्लैंड जो होती है वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। मेमरी ग्लैंड से क्या आएगा, मिल्क आएगा बेबी के लिए। और मिल्क में अगर आप लोगों ने एक नाम पढ़ रखा हो, एक नाम होता है कोलोस्ट्रम, एक नाम होता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम पता क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है पहला मिल्क। और इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज होती है, और वो एंटीबॉडीज क्या होती है, बच्चे को बीमारी से फाइट करने में हेल्प करती है। पूजा राज पुरोहित, हेलो, सब बढ़िया है यहाँ पे, सबके भी आप पे मैंने बोल दिया। अनुभव फिटनेस, ये यार तिरंगा तो समझ में आता है हाँ, लेकिन ये कुछ ये मतलब इमोजी का मीनिंग आपके मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है यार। What is common between parrot, platypus and kangaroo? Parrot आता है हमारे पास birds में, platypus आता है हमारे पास mammals में, और kangaroo जो है ये भी mammals में आता है। बताइए क्या common है यार? देखो यार यहाँ पे ये पूजा ने आते एकदम से यहाँ पे माहौल बदल दिया। तुषार हेलो बेटा, अच्छा यहां पे क्या दे रखा है बेटा, कॉमन क्या है? नहीं फंक्शनल पोस्ट नेटल टेल सब में नहीं है, यहां पे होमियोथेरेपी सबके लिए कॉमन आ जाएगा। होमियोथेरेपी मतलब सबके सब वार्म ब्लडेड है, सबके साथ वार्म ब्लडेड है। पूजा क्यों गुस्सा आ गया बेटा? चलिए कोई बात नहीं है। बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज कॉमन फीचर, बर्ड्स में और मैमल्स में कौन सी फीचर कॉमन है? बिल्कुल एसेक्स वालों के लिए तो प्लस वन प्लस टू दोनों आता है ना बच्चा। शिवम बागड़िया, एसेक्स वालों के लिए दोनों आता है। पूजा शांत हो जाओ बेटा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सुनो यहाँ पे। अच्छा आंसर कर भी दिया आप लोगों ने यार। बर्ड एंड मैमल्स के लिए क्या कॉमन है? वार्म ब्लडेड कंडीशन कॉमन है, वार्म ब्लडेड कंडीशन कॉमन है दोनों के लिए। वार्म ब्लडेड का मतलब ये कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर।
बाहर का टेम्परेचर विंटर में 5-6 डिग्री हो जाता है, हमारा 37 रहेगा। बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में 48-49 पहुंच जाता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है वो 37 ही मेंटेन रहता है। बायो नॉन मेड वालों को भी यार जो पढ़ता है उसको आ जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको आंसर करिए उसके बाद सेशन एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ओवीपेरस का मतलब ये एग लेइंग, प्लैटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट, व्हेल, कौन है जो एग ले करता है? प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस। बच्चों एलिफेंट के बारे में कुछ पता है? लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, और क्या है? प्रेगनेंसी का पीरियड सबसे ज्यादा होता है। एलिफेंट के टस्क जो होते हैं ना वो उसके अपर इंसाइजर का मॉडिफिकेशन होता है। अपर इंसाइजर ऊपर के दिखाने वाले दांत होते हैं, ऊपर के दिखाने वाले दांत होते हैं। अराउंड 2 ईयर्स, इट इज अराउंड 2 ईयर्स। चलो बच्चों फिलहाल एंड ऑफ द सेशन आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी केवीपीवाई बहुत इजी है, अगर पढ़ते रहोगे डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगले सेशन में कुछ और ट्रिक्स के साथ, कुछ और टेक्निक के साथ, कुछ और बायो के नए चैप्टर के साथ अगले सेशन में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप शाइनिंग, ठीक है? और बस कोरोना का ध्यान रखना है यार, कोरोना का ध्यान रखना है क्योंकि दोबारा से बढ़ने लगा है, कोरोना दोबारा से बढ़ने लगा है, उसका ध्यान रखना है। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।